हेलो फ्रेंड, तो गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे, 4:30 बजे उठे हुए हैं और देखिए अभी तक उजाला नहीं हुआ है। अभी भी अंधेरा हो रहा है बाहर और हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे और कनब अभी तक भी सो रही है। ये सो रहे हैं, ये देखो नए नए कपड़े पहने जा रहे हैं, नहा धो चुके हैं ये तो। और यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे हमारी बन रही है चाय। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि कर्म के पापा तो जा रहे हैं खाटू श्याम जी, वहाँ से बुलावा आ गया उनका, तो अचानक से प्लान बन गया है। तो वो तो सुबह सुबह निकल रहे हैं खाटू श्याम जी और मैं और कनव रहेंगे घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो कनव अभी छोटी है तो उसको धूप वगैरह लग जाएगी, इसलिए हम मैं और कनव तो रहेंगे घर पे। तो कनव के पापा निकल रहे हैं खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 बजे तक हमने नहा लिया है। कनक भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो बस अब नहा धो के मनाएंगे कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही है। और कनक के पापा भी पहुंच गए हैं, वहाँ पे फ़ोन आया था तो वो खाटू पहुंच चुके हैं, वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन होंगे। क्या पता उधर से अगर वीडियो कॉल हो आ गई तो मैं भी दर्शन कर लूँगी। तो बस अब बनाने जा रही हूँ मैं पोए, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है मैंने सरसों का तेल, तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया इसमें राई और करी पत्ता। करी पत्ता यहाँ पे मैंने खूब सारे डाले हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद में मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। साइड में हमारी चाय भी चल रही है और उसके बाद हमने डाल दिया पोहे। पोहे में मैंने हल्दी मिर्ची हल्की सी और नमक मिक्स कर लिया था, उसके बाद में डाल दी इसमें पोहे। पोहे चलाने के बाद इसमें डाल दिया मैंने टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से चला लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। बस पोहे हमारे रेडी है, यहाँ पे हमारी चाय भी उबल चुकी थी। तो रेडी हमारे गर्मा गर्म पोहे और इसमें मैंने ऊपर से डाल दी है भुजिया। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और हमारी चाय भी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैंने पोहे खाकर ही अपना टाइम पास कर लिया था क्योंकि अकेले अकेले क्या खाना बनाओ। तो यहाँ पे मैंने पोहे खा लिए थे, थोड़े से बचे हुए थे तो कनव के पापा ने आके उन्होंने भी टेस्ट कर लिए थे, काफ़ी अच्छे बने थे खाने में और कनव को खिलाए तो उसने खाए नहीं थे। तो चाय के साथ पोहे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, मेरे को बहुत पसंद है। तो मुझे करी पत्ते का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने भर भर के करी पत्ते डाले इसमें। मौसम हो गया खराब, बादल गरज रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए शाम हो चुकी है और 4:30 का टाइम हो रहा है। कनों के पापा आ गए थे 3 बजे,
3 बजे आ गए थे और इनको बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बढ़िया दर्शन हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा शॉर्ट्स में और आपको कई वीडियो मिलेंगी वहाँ की। और बस आके बस थोड़ा सा आराम आराम करा है, इसके बाद मैंने चाय बनाई है और भूख लग रही थी क्योंकि सुबह मैंने बस पोहे खाए थे। तो बस अभी ब्रेड में मैंने लगा ली है मलाई, ब्रेड में मलाई लगा के और चाय बनाई है। तो बस अभी हमारा नाश्ता यही चल रहा है और ये रही हमारी चाय। तो अभी चाय और ब्रेड खाएंगे, थोड़ा सा पेट में आट हो जाएगी, उसके बाद शाम का डिनर देखते हैं क्या बनता है, अभी कुछ पता नहीं है। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नाश्ता कर लीजिए, ये रहा प्रसाद श्याम बाबा का। तो यहाँ पे कनव देखो क्या कर रही है, पागल। अपन झाड़ते रह गए उसको। नहीं आती है तो वो मेरे भी आती है। अरे शटर हिल रहा था, ये शटर गड़ 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 रहा है, तो बंद कर दे भैया। अंदर ही बैठ जाएंगे अपन थोड़ी देर। ओए कानू क्या कर रहा है, ओए बॉल खेल रही हूँ, बॉल खेल रही हूँ। और यहाँ से देखो मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है, वो माता जी का मंदिर है शायद।